क्या हाल भाई? ठीक है, आप बताइए। सब बढ़िया। बस मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वेरी वेरी गुड, मजा आ गया। आई थिंक ये मेरा सेकेंड अवार्ड है वुमेन अचीवर्स अवार्ड में। अभी अभी मैं इंडिया लैंड की एंड आते ही मुझे एक अवार्ड मिल रहा है, सो दैट्स अ गुड फीलिंग। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, भगवान की दया है, आप सबका प्यार है, ब्लेसिंग्स हैं, एंड थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग माई अचीवमेंट्स एंड अवार्ड। आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट एक तो होता है कि हम वुमेन के लिए बहुत कुछ करते हैं, और एक होता है कि हम इंटरनली खुद को एम्पावर करते हैं। हम अपने स्किल्स को जानते हैं, हम फिगर आउट करते हैं कि हमारा कैलिबर क्या है और एक अपने आप को किस तरह से अपडेट करते रहना चाहिए। हम जब खुद को रोज़ अपडेट करते हैं तो लोग उस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं। जैसे कि एज एन एक्टर मैं अगर अलग अलग टाइप के स्किल्स सीखूँ, मैं अपने आप को बहुत अपग्रेड कर रही हूँ एंड आई एम एम्पावरिंग माई सेल्फ, सो दैट मैं कोई भी प्रोजेक्ट करूँ, मेरी सारी मेहनत, मेरी जो भी जो कुछ भी मैंने लाइफ में सीखा है, वो सारी चीज़ें यूज़ हों। सो आई थिंक एम्पावरमेंट, ये जो अवार्ड फंक्शन होता है, दैट्स बेसिकली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर अचीवमेंट्स। बट एवरी वुमन, एवरी पर्सन, वुमन ही क्या, मैन, वुमेन, बोथ ऑफ देम, दे शुड एवरी डे मोटिवेट देमसेल्व्स एंड एम्पावर देमसेल्व्स। बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। मज़ा मतलब वेदर का कंडीशन तो बहुत ही ख़राब था, इनफैक्ट इस साल का सबसे ख़राब वेदर था। बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ठंडी, और उस मतलब 50 किलोमीटर्स पर आर का स्पीड है हवा का, और उसमें खड़े रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और उसमें ही हम स्टंट वंट कर रहे हैं। पानी तो एकदम ख़तरनाक ठंडा। या सो रोहित सर भी बहुत स्वीट थे, बहुत मोटिवेटिंग है। अगर वो देखते कि आप कसम से, आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, तब वो मोटिवेट करते हैं, और जो लोग कोशिश नहीं करते उनसे सर को वो पसंद नहीं होते हैं। तो हमारे ग्रुप में तो हम सब लोग ही बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एंड जावाज थे। हम सबको करना था, अबाउट भी इस सीज़न में बहुत कम हुआ है, ना के बराबर ही हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो, टिल फेलियर हुआ है। सो नोबडी, ऐसा कोई भी नहीं है कि जाति डर गया, नहीं नहीं मेरे को नहीं ट्राई करना है, क्योंकि हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि कितना मेहनत लगता है, कितनी खर्चे होते हैं ये सेटअप करने के लिए, और आप जब विदाउट अटेम्प्ट के ही अवॉर्ड कर देते हो तो उनको कितना बुरा लगता है। आप इस शो में आई हो अपने आप को, अपना डर भगाने के लिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, एंड इट्स गोना बी अ वेरी मेमोरेबल वन। सी एकांत शो का ऑफर आया हुआ है, और फिर मूवी की भी ऑफर आई हुई है। मैंने अभी तक कुछ साइन नहीं किया है, क्योंकि मुझे देखना है, समझना है, जांचना है कि क्या करेक्ट है मेरे करियर के लिए, और प्लस 2 महीने बहुत रिग्रेसली मैं स्टंट करके आई हूँ। एटलीस्ट 1-2 हफ्ता मैं चिल करूँगी, थोड़ा आराम करूँगी, नॉर्मलाइज होंगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है जो मुझे लगता है कि मुझे सीखना चाहिए था लाइफ में। यू नो देर इज़ सो मच टू डू इन लाइफ। ये पूरा मेरा माइंड काफ़ी चेंज हो गया है वापस आने के बाद। सो स्केड्यूल बनाना, चीज़ें लाइन अप करना, वो धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी अभी तक। मेरे यहाँ तो 2 लड़कियों के साथ बहुत अच्छा था, ऐश्वर्या और अर्चना के साथ, मेरे हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शिव के साथ भी बहुत बढ़िया था, और अरिजीत के साथ भी, बाकी सब अच्छे फ्रेंड्स। पानी से भी सर, ठंड बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है वहाँ पे। ठंड बर्दाश्त करना मतलब उस ठंडे पानी में जाओ, ठंडा हवा को झेलो, वो सबसे खतरनाक था, बाकी सब तो मैनेजेबल था। कोल्ड वॉज वेरी बैड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मम्मी चलो।